होती है। आज गुड़गांव में 17 लाख नौकरी है, 3 लाख खाली बच्चे है। जब 70% का कानून पारित होगा तो 16 लाख हो जाएंगे, 11 लाख किसके लगेंगे? सारे लगेंगे किसी और के, पढ़े लिखे वाले भी लगेंगे। तो इसलिए निवेदन करता हूँ और जरूर कि अगले 45 दिन में रेस्पेक्ट कर देगा। आज बुढ़ापा पेंशन की क्या रात, 2 महीने तक बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन नहीं, जब तक आवाज नहीं दी। बुजुर्ग साथियों, मैं आपको एक चीज जरूर बोलू कि चौधरी गिरिराज जी का सपना कि बुजुर्गों का सम्मान कभी भी टूटना है, वो 100 रुपये इसलिए नहीं दिए थे, बुजुर्गों के सम्मान में तो 4 चांद रहते, इसलिए दिए थे कि कोई बेटी घर में आ जाए, कोई पोता पोता घर में आ जाए तो अपने बच्चों के आगे बच्चों के आगे गिरिराना नाम ले तो अपनी देश जल की दवाई की और अपने बच्चों को पूरे पैसे। आज इस सरकार ने समान पेंशन को अपमान पेंशन में बना दी, जैसे भी ठोके हमारे बुजुर्गों को खानी पड़े, इसलिए आपके संसद ने आपके गठबंधन ने यह निर्णय लिया कि हम बुजुर्गों के सम्मान को दोबारा लगाएं। जाए कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हो सकता है, बुजुर्ग को जो खेत में काम करता है, दुकान चलाता है, मजदूरी करता है, 60 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कार्ड बनने पर महिलाओं को 55 साल और बुजुर्गों को 58 साल पहले की तरह घर बैठे पेंशन देने की व्यवस्था आप कर रहे हैं। अनेकों चीज जो प्रचार आपने करना है, मैं इतना निवेदन आपको जरूर कर सकता हूँ कि आज बहन कुमारी मायावती जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का विश्वास कि प्रदेश के प्रमेय को, पिछड़े को, दलित को, मजदूर को, किसान को, छोटे व्यापारी को आज ताकत में उसको आज बड़े बड़े पूंजीपति हो गए। आप हालात देखो बीजेपी के, जो रेट सब्जी बेचेगा आपको 5 भी दे दिया और उसे 3 तक किसको दे दिया, अदानी को, अंबानी को, देखिए अपने गांधी के पीछे शेर फोटो बनी है और लिखा हुआ अदानी, ये रिलायंस फ्रेश किसके हैं, अंबानी के हैं, जो आज दिल्ली से लेकर शेर तक पेड़ तक ये बेचने का काम करते हैं। और अगर पूंजीपतियों के पास सत्ता रही तो ये मान कर चलना कि आने वाले भविष्य के अंदर छोटा दुकानदार भी नहीं बचेगा, रेडी पे काम करने वाला मजदूर भी नहीं बचेगा। और अगर आप चाहते हैं उसके अधिकार को वापिस लाया जाए तो स्वर्गीय चौधरी देवीराज जी और स्वर्गीय माननीय काशीराम जी की सोच को मजबूत करो, जिनने हमेशा कमेरे की सोच की उसकी लड़ाई लड़ी और अपना एक एक और हाथी और चाबी का बटन दबाकर, और साथी इसलिए बोल रहा हूँ हाथी चाबी ये मत देखना कि अपनी विधानसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी, अगर वहाँ हाथी होगा ग्यारह बादशाह भी होगी तो वहां जसपा होगा या वहां बसपा होगा। हमारा संकल्प यही रहना चाहिए कि हमने बहन कुमारी मायावती और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को देखते हुए उस बदन को दबा कर हमारे कैंडिडेट को जीतने का काम किया। और समय कम, आज से बचना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते थे, दो घोड़े की नाल को दरवाजे पर ला देते और कहते हैं कि घोड़े की नाल घर में खुशहाली लाने का काम करे, घर में लगे दरवाजे पे लगाने से खुशहाली कभी नहीं आता। अगर असलियत में चलते खुशहाली आए तो पहले राज बनाना पड़ेगा, और राज बनाने के लिए उस घोड़े की नाल को अपने पांव के नीचे लगाकर अगले 45 दिन मैदान में मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना आना पड़ेगा, तब राज आएगा। और राज आ जाएगा जब 70% रोजगार का अधिकार आ जाएगा, थोड़े नौकरी लगेंगे तो घर में खुशहाली आएगी नहीं आएगी। इसलिए निवेदन करता कि आज से ही जुटना पड़ेगा और पहले होकर जुटना पड़ेगा, जो धीरे भले सोचोगे कि राज बन जाएगा तो राज बनने का काम ऐसे नहीं करे। और नीचे से वो बुद्धि जी शादी बुद्धि के भी जुटना दूसरा भी है। दुखी हो नहीं है बिजली के मित्र से, पहले घटने में वो चीजें करती भार लगा दी है जिसके घर का मीटर 500 आया करता था तो 300 आया, और ऊपर से ये और पापा नंबर आएगी
ये वादा मैं देती हूँ, बिजली के मीटर घटके अंदर लगेंगे, बाहर लगेंगे, फैसला सरकार का नहीं होगा, मीटर के हमारे का होगा, सारा होगा। अब तो ये है, ये घोषणाएं सारी हो रखी है। आज गुजराव में 17 लाख नौकरी है, 3 लाख सारे बच्चे, जब 70% का कानून पारित होगा तो 16 लाख हो जाएंगे, 11 लाख किसके लगेंगे, सारे लगेंगे किसी और के, पढ़े लिखे वालों की लगेंगे। तो इसलिए निवेदन करता हूँ अब जरूर कि अगले 45 दिन में रखकर करने का, आज बुढ़ापा पेंशन की क्या रात, 2 महीने तक बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन नहीं, जब तक आवाज नहीं दी। बुजुर्ग परिवार साथियों, आपका एक चीज जरूर बोलू कि चौधरी गिरिराज जी का सपना कि बुजुर्गों का सम्मान कभी नहीं टूटना है, वो 100 रुपये इसलिए नहीं दिए थे बुजुर्गों के सम्मान में, तो 4 चांद रखे इसलिए दिए थे कि कोई बेटी घर में आ जाए, कोई पोता पोता घर में आ जाए तो अपने बच्चों के आगे, बच्चों के आगे गिरिराना नाम ले तो अपनी देश की दवाई की और अपने बच्चों को पूरे पैसे। आज इस सरकार ने समान पेंशन को अपमान पेंशन में बना दी, जब तक ठोके हमारे बुजुर्गों को उठानी पड़े, इसलिए आपके संसद ने आपके गठबंधन ने यह निर्णय लिया कि हम बुजुर्गों के सम्मान को दोबारा लौटाएं। चाहे कर्मचारी 18 साल की उम्र में रिटायर हो सकता है, पूरे बुजुर्ग को तो खेत में काम करता है, दुकान चलाता है, मजदूरी करता है, 7 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। कार्य करने पर महिलाओं को 55 साल और बुजुर्गों को 58 साल पहले की तरह घर बैठे पेंशन देने की व्यवस्था आपका लेगा। अनेकों चीज ये प्रचार आप में कर रहा है, मैं तो इतना निवेदन आपको जरूर कर सकता हूँ कि आज बहन कुमारी मायावती जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के विश्वास कि प्रदेश के प्रमेय को, पिछड़े को, दलित को, मजदूर को, किसान को, छोटे व्यापारी को आज ताकत में सकते, जो आज बड़े बड़े पूंजीपति हो गए। आप हालात देखो बीजेपी के, जो रेडी बेचा आपको क्रांति रेडी और स्पीकर किसको दे दिया, अदानी को, अंबानी को, देखिए अपने गांधी के पीछे से फोटो बनी हुई है लिखा हुआ अदानी, ये रिलायंस फ्रेश किसके हैं, अंबानी के हैं, जो आज दिल्ली से लेकर सेब तक तक ये बेचने का काम करते हैं। और अगर पूंजीपति हमारे पास सत्ता रही तो ये मान कर चलना कि आने वाले भविष्य के अंदर छोटा दुकानदार भी नहीं बचेगा, रेडी पे काम करने वाला मजदूर भी नहीं बचेगा। अगर आप चाहते हैं उसके अधिकार को वापिस लाया जाए तो स्वर्गीय चौधरी देवीराज जी और स्वर्गीय माननीय काशीराम जी की सोच को मजबूत करो, जिनने हमेशा कमेरे की सोच की उसकी लड़ाई लड़ी और अपना एक एक और हाथी और चाबी का बटन दबाकर, और साथियों इसलिए बोल रहा हूँ हाथी चाबी यह मत देखना कि अपनी विधानसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाए, अगर वहां हाथी होगा ग्यारह बादशाह भी होगी, अगर वहां भाजपा होगा या वहां बसपा होगा, हमारा संकल्प यही रहना चाहिए कि हमने बहन कुमारी मायावती और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को देखते हुए उस बदन को दबा कर हमारे कैंडिडेट को जीतने का प्रयास किया। और समय कम आज से बचना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते थे, दो घोड़े की नाल को दरवाजे में डाले थे और कहते हैं कि घोड़े की नाल घर में खुशहाली लाने का काम करे, घर में रखे दरवाजे पे लगाने से खुशहाली कभी नहीं आती, अगर असलियत में चलते हो खुशहाली आए तो पहले राज बनाना पड़ेगा, और राज बनाने के लिए उस घोड़े की नाल को अपने पांव के नीचे लगाकर अगले 45 दिन मैदान में मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब राज आएगा, और राज आएगा जब 70% लोग का अधिकार आ जाएगा, थोड़े नौकरी लगेंगे तो घर में खुशहाली आएगी नहीं आएगी। इसलिए निवेदन करता कि आज से ही जुटना पड़ेगा और पहले होकर जुटना पड़ेगा, धीरे और सोचों में राज बन जाएगा तो राज बनने का काम ऐसे नहीं करेगा। और
मिट्टी से लोग कुछ नहीं जानते मिट्टी के बीच में दुख रहा है ये आए भाई अभी रोल पार्टी में बोल रहे हैं दुखी हो भी है मिट्टी के बीच में से पहले घर में मैं कुछ नहीं करती भार लगा दिए जिसके घर का मीटर 500 है उसका घर 600 है और ऊपर से ये और पापा संभालेंगे ये वादा मैं करती हूँ बिजली के मीटर घर के अंदर लगेंगे बाहर लगेंगे ऐसा सरकार का नहीं और मीटर के मालिक का होगा सारा